जयशंकर जी, जय श्री राम, सीताराम। कुछ लोग तुलसी के पास भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी के पास गणेश जी की मूर्तियां रखनी चाहिए या नहीं? तो तुलसी के पौधे के पास भूल से भी भगवान गणेश की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश पुराण में वर्णन है कि रविवार के दिन तुलसी का पत्ता इसलिए नहीं तोड़ा जाता क्योंकि गणेश जी ने श्राप दिया था तुलसी को, क्योंकि जबरदस्ती से तुलसी माँ ने बद्रीनाथ में गणेश जी से विवाह के लिए तैयार थी। तो गणेश जी ने कहा था कि अधिकार मेरे माता पिता के पास है, तो तुलसी ने कहा कि तुम योगी ब्रह्मचारी, तुम विवाह के लिए मना करते हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं दो दो विवाह होंगे। फिर गणेश जी ने क्रोध में तुलसी को श्राप दे दिया कि तेरी मौत के बाद तुझे वृक्ष बनना पड़ेगा। फिर गणेश जी ने कहा था कि यदि भूल से भी किसी ने मेरे ऊपर तुलसी चढ़ा दिया तो उसके पास उसके घर में घोर गरीबी का जन्म हो जाएगा, इसलिए गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। और उस दिन रविवार का दिन था, तो कहा था कि रविवार के दिन तुझे तोड़कर कोई नारायण के ऊपर भी नहीं चढ़ाएगा, इसलिए रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। लेकिन हाँ, जो तुलसी की टूटे पत्ते नीचे पड़े होते हैं उन्हें धोकर नारायण के ऊपर चढ़ा सकते हैं, इसलिए तुलसी तोड़ने का श्राप है, पूजने का नहीं। आप धूप दीप कर सकते हैं। हर हर महादेव।